उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। हाईस्कूल का परिणाम 90.14% जबकि इंटरमीडिएट में कुल 82.63% परीक्षा परिणाम रहा है। हाईस्कूल में पिथौरागढ़ की प्रियांशी रावत ने टॉप किया है। प्रियांशी रावत ने 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं और कुल 100% अंक प्राप्त किए हैं। दूसरे नंबर पर रुद्रप्रयाग के शिवम मलेथा रहे हैं जिन्होंने 500 में से 498 अंक हासिल किए हैं, जबकि तीसरे नंबर पर पौड़ी के आयुष ने टॉप किया है जिन्होंने 500 में से 495 अंक हासिल किए हैं। वहीं इंटरमीडिएट में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और हल्द्वानी की कंचन जोशी ने 97.60% अंक प्राप्त करके परीक्षा में टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 488 अंक प्राप्त किए हैं। अंशुल नेगी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, उन्होंने 500 में से 485 अंक प्राप्त किए हैं। ऋषिकेश के हरीश चंद्र बिजलवान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, उन्होंने 500 में से 480 अंक प्राप्त किए हैं। हाई स्कूल का इस वर्ष का जो परीक्षाफल है वो 89.14 यानी 89.14% और जो इंटरमीडिएट का परीक्षाफल है वो 82.63 82.63% परीक्षाफल रहा है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक है। और हमारी जो आपने रिजल्ट में देखा है कि बालिकाएं बालकों से अपेक्षाकृत आगे हैं और हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बालिकाओं की संख्या भी अधिक है और उनका रिजल्ट और अच्छा होना जो है इस बात का संकेत है कि हमारी बालिकाएं मेहनत कर रही हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये आपके कठिन परिश्रम और लगन का प्रतिफल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आने वाले समय में भी राज्य और देश का नाम अवश्य रोशन करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने तय समय पर बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर शिक्षकों और विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रशंसा भी की। आपको ढेर सारी बधाई है शिक्षा विभाग की तरफ से भी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी की तरफ से भी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने हमारा उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, 500 में से 500 नंबर आए आपके। 100% नंबर आए आपकी और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। माँ जी पिताजी को भी मेरी ओर से प्रणाम कहना। विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया ने टॉप करने पर खुशी जताई। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने अभिभावक और अध्यापकों को दिया है। पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था तभी मार्क्स आए हैं मेरे हिसाब से, तो उसके अलावा ऐसा कुछ सोचा नहीं था स्टार्टिंग से कि फर्स्ट रैंक आ जाएगी। अब आ गई, बहुत अच्छा है। बाकी मेहनत तो करी थी बहुत, स्कूल वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया था और भी बहुत कुछ अच्छा रहा, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। और बाकी प्रेशराइज कभी किसी ने नहीं किया कि इतना लाना ही है, वो अपने आप ही आ गए पता नहीं मार्क्स। अब पढ़ाई तो की थी जम के और बाकी सब्जेक्ट्स में ध्यान दिया था, अच्छे से रेलेवेंट चीज़ें पढ़ी थी और अपने आप जो थे आपके मार्क्स आ गए और अच्छे से रैंक आ गए। मैम रिसर्च वगैरह में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, अभी बदल भी सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा अभी इंक्लिनेशन फिलहाल रिसर्च के साइड। नैनीताल जिले के हल्द्वानी हरगोविंद सुयाल इंटर कॉलेज की छात्रा कंचन जोशी ने इंटरमीडिएट में टॉप करने पर खुशी जताई है। कंचन जोशी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देती हैं। सर मैं सभी लोगों को अपने खुद से रिलेटेड जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया यहाँ तक बढ़ाया और स्पेशली अपने पेरेंट्स को, यहाँ स्कूल का ये पूरा मतलब सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया कि मार्क्स आए।